भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने तीन दिन पूरा करके चौथे दिन में प्रवेश कर लिया है। मणिपुर से नागालैंड तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने वालों की और उनके सामने अपने विचार रखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। तो चौथे दिन कहां से शुरू हुई यात्रा और कहां तक जाएगी, आज क्या होगा खास, इस यात्रा में जाने के लिए देखें ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। बीते तीन दिन में इस यात्रा ने मणिपुर से लेकर नागालैंड तक लोगों के दिलों में उम्मीद का दिया जलाया है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने अपने विचार, अपनी समस्याएं, सरकार से अपनी अपेक्षाएं भी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों पर मरहम लगाया है। पिछले तीन दिन में राहुल मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदायों के इलाकों से और फिर नागालैंड की राजधानी कोहिमा से होकर गुजरे हैं। यात्रा के तीसरे दिन के बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन के अंत में राहुल गांधी के वोखा नागालैंड में बस के ऊपर से दिए गए भाषण मोहब्बत की दुकान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नागालैंड के लोगों से ऐसी ही उम्मीद के साथ आज की ये यात्रा नागालैंड के जूनो बोटो के वीके टाउन से शुरू करेंगे और वहां से निकलते हुए मोकोकचुंग के मेन ट्रैफिक पॉइंट पहुंचकर बस से ही जनता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर में चुचुइमपंग में यात्रा का विश्राम होगा और उसके बाद 2:30 बजे तक चुचुई मिलांग के पास पुलिस आउटपोस्ट से यात्रा दोबारा आगे बढ़ेगी। राहुल और उनकी टीम की शाम की चाय मेरांगकोंग पहुंचकर होगी और आगे बढ़ते हुए आओहदांग ग्राउंड तुली पहुंचकर यात्रा रात में वहीं रुकेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।